तो ये बारिश सुबह के 4 बज चुके हैं। बाबा के दरबार में भी अभी भी जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, जय बाबा। तो दोस्तों अभी बजे हैं सुबह के 4, बारिश हो रही है। ये देखिए हमारे पास छतरी, ये बत्ती भी जली है अभी हमारी बाबा के दरबार में। ये सांप बना दिया रास्ता मैंने। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। पहला कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत करें हैं सुबह के 5 बजे हैं अभी। रात भर सोए नहीं थे हम, उठ गए, देखिए मौसम भी खुलने लग गया, कर सकते हैं ये सो करके उठ गए ये सारे बंदे। बढ़िया नींद आई। ये दिशो वो वाला जा रहा था, हरा वाला ऊपर से, ये देखिए बड़ी भी आई है, ओला लग चुका है। रात भर बारिश थी, बता पहली तनु नूकर अभी बर्तन धोएंगे हम सुबह। देखिए रात भर क्या बात है, कंबल नंबर फेंको, कंबल रखो देखो। आज रात की तिल मारी अभी हो रही है ये दिन में, बकचोदी मत कर यार। देख सकते हैं गाइस, हम आए स्वर्ग में, ये देख सकते हैं ये बादल। हमारी बात नहीं होनी हो पाएगा संघर्ष, क्यों नहीं हो पाएगा? अरे तो मानना जो बहुत मोर उठा रहे हैं ये दोनों, तो झुल के चिमटा लिया थी वो, चलो क्यों दे दे दे। गाइस हम स्वर्ग में आ चुके हैं, बादलों के ऊपर वाला तैर रहे हैं, हम बादलों के ऊपर वाला है। अब बादल तो हमारे बादल हमसे नीचे देख सकते हो, ये अल्लाह मत करो ना, शहर में तो सुनो मत सारे बंदे गए। कुछ दिक्कत है तो बता दे, देख रहे हो सामान देखने दे रहा है, हो गया यार यार बाबा की जय हो। आराम जा सला, आराम ले, पटेंगे ध्यान हो। हो चुका है सुबह, सुबह के बजे हैं अभी आपके 6 बजने वाले हैं। तो नहा धो लिया हमने, तो अब थोड़ा ऊपर दिया बातें करेंगे, तो मिलते हैं अभी आपको। देखिए दोस्तों इस टैंक में हुआ था पानी, कल रात भर बारिश हुई तो फुल यहाँ तक भरा था, इसी पानी से नहाया हमने अभी, ये देख सकते हैं। हाँ दोस्तों सारा काम हो चुका है हमारा, नहाना धोना सब चीज़ फ्रेश फ्रूश हो चुके हैं हम, बर्तन भी धो दिए मंदिर के जूठे बर्तन सनी में और बगदा ने, और अब चलेंगे हमने नहा भी लिया। अब थोड़ा दिया बाती करते हैं, धूप तो आई नहीं, कोरा कोरा छा रखा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रात की बारिश है, ऐसा भी हो रखा है पानी, तो देखते हैं एक बार बत्ती चलाते हैं। देखिए दोस्तों अब आ रहे हैं सूर्यदेव, बहुत बढ़िया मौसम अब तो खुल गया, रात भर बारिश थी। आ जाओ आ जाओ, ये देखिए
तो ये देख सकते हैं धूप पूजा कर दी हमने, दिया बाती, दिया तो जले थे, खाली अगरबत्ती जला दी हमने बाहर पे, गला भी जाम हो रहा है यार। ये देखिए मौसम कोहरा लग रहा है यार, एक बार धूप आ जाती तो बढ़िया करके, ये कपड़े भी सूख जाते क्योंकि गीले हो रखे हैं सब। देखिए दोस्तों व्यू चेक कर रहे हैं यार, मजा आ गया गाइस, ये सुबह सुबह का व्यू, ये वाह, नीचे हैं बादल हैं ऊपर, अभी देख सकते हैं ऊपर पे, ये चेक करें मंदिर का, बढ़िया नजारा यार। अगर मौसम एक बार साफ होता ना गाइस तो इतना बढ़िया दिखाई देता ना, यहाँ पे पूरी हरियाली चारों तरफ, धूप आती है यार, मजा आ जाता। हाँ बहुत बढ़िया नजारा आ रहा है यार, देख सकते हैं नीचे है बादल और ऊपर पे हैं हम, ये देखिए बढ़िया हुआ यहाँ मंदिर में, मजा आ गया कल, बहुत ही सुंदर से भी, बहुत भीड़ थी हमारे यहाँ, देख लिया था अपने बच्चे सयाने सब थे हमारे यहाँ। ये देखिए हेलो, एक चीज दिखाता हूँ, ये बीच में देखिए बादलों के बीच में ये मार्केट, मार्केट का नजारा यार। हमने सब बर्तन वर्तन धो दिए थे, थोड़ा अंदर की सफाई भगता कर रहे हैं, भगता बहुत काम कर रहे हैं यार हमारे, ये देखिए पूरा का। एक तो कल दिखा दिया था मैंने, यहाँ से पानी टपक रहा है अभी भी, ये यहाँ से ये पूरा, ये पूरा लेंटर खराब हो गया यार, उसी वजह से पूरा पानी पानी हो गया था यार। ये देखिए भगदा हमारे बढ़िया काम करते हैं, भगदा हम लोग यहाँ पे से देख पर से पानी आ रहा था पूरा यहाँ पे, ये देखिए दीवार भी ऐसी हो गई है, देख तो ये मिट्टी है ना, इस मिट्टी में कोई ताकत नहीं है यार, खाली वाली है, ये देखिए अभी भी पानी की बोल रही, ये यार यहाँ इतनी भयंकर हो रही ना, ये देखिए पूरा लेंटर यार, कभी भी मतलब कुछ भरोसा नहीं है, इतना खतरनाक हो रहा है ये वाला पूरा आ रखा है, ये पूरा ये टपक भी रहा है लेंटर, ये लेंटर में खतरा ही है यार। ये देखिए पहले एक बार और हुआ था, फिर दीवार गिरी थी, उसके बाद ये चिनाई की थी और बैठने लग गई है, इसमें कॉलम नहीं है ना, इस साइड को भी खराब भी नहीं है इसमें। तो फिलहाल हम बना रहे हैं चाय, चाय तो पीते हैं हम, ये तो यार अब क्या दोस्तों, ये जाएंगे हम थालियां रखेंगे हम, एक ही होगी, दो तीन चार पाँच छ सात, सात थाली है, एक ऊपर तीखा पिठा के लिए बना रखी आठ, और एक चकला बेलन, ये कुछ गिलास है क्योंकि यहाँ चाबी कभी किसी के पास रहती है कभी किसी के पास, इसलिए हमने ये थोड़ा ही खा लिया, ये वाली मंदिर में रख दी है। और ये देखिए ये कहते हैं क्योंकि कोई भी आएगा तो ना यार
हम कैसे, कोई दूर से आ गया तो खाना बनाने के लिए, कोई नाइट आ गया तो खाना बनाने के लिए कुछ नहीं। कल तो हमारे पास कुछ नहीं था, ये था एक दो आइटम बस। वो तो हमारे गांव से फिर बाहर से चाबी मंगाई, नहीं तो पैदल थे। पैदल कहते हैं अब गाँव नजदीक आया, तब कोई दूर का आएगा तो फिर तो बवाला हो जाएगा ही, किसमें बनाएगा खाना पीना। तब इसलिए हमने ये बर्तन रख दिए हैं यहाँ पे। अभी कोहरे से ऐसा हो गया पूरा चारों तरफ ही, जैसे कि बारिश आती है। ऊपर सोए थे हम थोड़े से लेंटर में, कपड़े बड़े सुखा रहे थे तो ठंडा जैसा हो रहा है यार, बारिश का जैसा। जी यार ये देख सकते हैं, बाबा रे एक देख चले। ये गए दो बंदे आ गए हमारे गांव के, दीपक और लल्ली। हम घर को जा रहे थे ऊपर बाहर, अब साथ जाएंगे। अभी भात बना रहे हैं ये अब मंदिर में, ये चावल है इसमें बनाएंगे पलो, बनाएंगे पलो चोली। ये भात के लिए पानी रख दिया गर्म पानी। ये देखिए चावल घर के मिक्स भी हैं, पानी नहीं बात हो गया। अब भात खा दिया यार हमने पका पका करके, बढ़िया करके 12:30 हो रखा है। और चांद तो चढ़िया कि खिद्दू पर लैंडर में फिर खा चढ़िए खराब रहना ना। तो दोस्तों फाइनली मंदिर से घर को यार बहुत हो गया, कल इस टाइम पहुंच गए थे, इस टाइम से पहले पहुंच गए थे और इसी टाइम नीचे को जा रहे थे। ये देखिए एक बार दिखा देता हूँ यहाँ से व्यू, पूरा शहर अपना। ये देखिए हरियाली, मिलते हैं अभी आपको। बाय बाय असुरावा, बाय बाय। अरे लेना फिर निकलेगा वो थोड़ी देर, जड़ थोड़ी निकलेगा, इसमें डिस्कवरी वाला डालूंगा तेरा। नहीं ये जंगल बहुत ही घना जंगल है और यहाँ से हम ऊपर पहाड़ी चढ़ेंगे। ठीक है हाँ, ये इससे नीचे वाला जड़ निकाल, ये है सिलफोड़ा, ये है दोस्तों सिलफोड़ा। ये खनान बनेगी मीठा, इसे निकालना जड़ कहाँ पे है, डिंगो के फोड़। अरे यार मैंने कहा लगेगी यार। बहुत ही घनघोर जंगल के बीच में है, चलो गए जाए यार तैयार कहें पूरे ढूंगा निकला लो बहन। हाँ यार पूरे ढोण हाल है, एक तो गिल हो रही हो। हाँ ये तो इतना काट दे इसको जहाँ पे से उठने, जड़ तो उसमें दबी होगी ना यार इसकी। तेरे इसमें अब डिस्कवरी वाला डालूंगा ना वो। हिंदी में इसका अनुवाद हुआ कि आदमी के शब्दों से ज्यादा
प्रभाव आदमी के कर्म डालते हैं। थैंक यू यार। क्या हुआ? रोक लो यार ये, तो हाथ में पकड़ दिया यार इसने, ऐसे चुभेंगे और ये नहीं है, एक तो धार वाले हो रहे हैं ना वो, ये पत्थर भी तो ब्लेड के जैसे लगेगा कहीं पे, अगर लगेगा तो ये है ये रहा दोस्तों, ये रास्ता सीधे जाएगा वहाँ पे, को यहाँ पे से तिरसा तिरसा है फिर नीचे को डाउन, तो जा रहे हैं आधा रास्ता। नीचे जाने में कम टाइम लगता है क्योंकि नीचे में पाँव ऑटोमेटिक नीचे को आते हैं, ऊपर जाने में तो बाप रे भैया, कल जैसी हुई ना वो तो हम ही जानते हैं, वो तो हम ही जानते हैं भाई कैसी हुई कल। यहाँ पे तक बढ़िया हो जाएगा, तो आजकल बरसात के दिन पे, बरसात के दिनों पे पत्थर भी गिरते हैं। एक तो ये पहाड़ भी उस टाइप का है ना, पूरा वो नहीं है, खोखला टाइप का पहाड़ है, अलग अलग ये पीस ऐसे निकलती है पत्थर रस्ते पे ऊपर से, बारिश से ये मिट्टी छोड़ देती है ना, गल जाती मिट्टी, तो उस वजह से पत्थर गिरने लगते हैं, तभी तो सावधान पूर्वक चलना पड़ता है। अब आएगा हमारा असर बाबा का नौला, पानी पियेंगे जहाँ पे हम कल दिखा रखा आपको। अब आएगा दोस्तों ही नौला यहाँ पे, वो इस बैंड के आगे नीचे पे, कोई भी जंगल को जाते हो ना, मैं इधर उधर कहीं भी जाते हो तो मतलब ये जंगल की साइड को जैसे मंदिर अंदर कहीं भी चले जाए तो ये जरूरी होना चाहिए यार हथियार, ये बहुत काम आता है आपकी झाड़ी इधर उधर काटने, लकड़ी काटने में। अभी दिखाता हूँ मैं क्या काम आएगा, देखिए जी ये रस्तों में हो रखे ना ऐसे ही, ये काम आएगा ये काटने के लिए, ये अभी कुछ समय में बड़े पेड़ हो जाएंगे, ये काम आता है। ये यहाँ पे बायो लोग पी रहे हैं पानी, ठंडा ठंडा पानी भी दिखाता हूँ, बर्फ़ वाला पानी एकदम फ्रिज वाला। ला यार पानी पिलाओ भाई, ये है नौ लगाई जी, है नौ लगा। वो देखिए सनीवास गए अंदर नौले में, पानी भर रहे हैं सनीवास, एक बार दिखा पानी आया वे। भाई पूरा गुफा है, कल दिखाई रखा मैंने आपको, पानी ठंडा पानी, अभी आराम से आओ यार। खजूर गए जी देख सकते हैं ये, चलो आ जाओ भैया। यार एक पहला तो खोखो रेल पकड़े तेरे, ये तप्पा आता गए तप्पा, ये नौला चलते हैं अब घर को। ये देखिए बंदे लोग चले गए हैं, खजूर खा के तो मजा आ गया यार। ये ऐसी झाड़ियाँ, ऐसी झाड़ियाँ काटनी पड़ती इससे इससे। पिघला पिघला हो गया गाइस, ये मट्ठा मट्ठे से नहा लिया, मट्ठे से नहा लिया सनी बॉय ने, कहे जला बाओ यार तुझे। तेरे काम तू ही बोल रहा था पानी क्यों, अरे सनी तू ही बोल रहा था पानी को कहाँ ले जा रहे हो घर को, देखो ना
ये बताया भैया देखिए दोस्तों अभी हम रखा 4:30 यहाँ पे पहुँच चुके हैं ये मेला स्थल चैतुल मेला स्थल में। ये बाप रे रास्ते में पत्थर वाले रास्ते में खड़ंजे वाले में पांव दुख गए कि वो यो। तो दोस्तों यार फाइनली घर पहुँच चुके हैं, घर से भी ऊपर को जा रहे हैं वहाँ पर मंदिर से आकर के। तो अब बहुत लंबा हो गया यार, तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको इस ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें। जल्दी ही